ये आ गए हैं हम अंदर। ओह माय गॉड, मतलब स्टेशन से एंट्री कर रहे हैं और ये भीड़ है यहाँ पे, खतरनाक वाली। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो ले करके, और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया चीज़, बहुत ही अच्छी जगह के दर्शन। वैसे तो आप लोग टाइटल और थंबनेल देख करके समझ ही जाएंगे कि मैटर क्या है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो मैं जा रहा हूँ आज वैष्णो देवी, चल रहे हैं नवरात्र के दिन, बहुत ही अच्छे दिन चल रहे हैं, माता रानी के दिन चल रहे हैं, और वहाँ पर हम जाएँगे और नवरात्रों में वहाँ पर जाकर हम माता रानी के दर्शन करेंगे। तो देखते हैं वहाँ का कैसा माहौल है। जो आज डेट है 29 सितंबर को, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, टाइम हो चुका है 7:30 का, 8:05 की मेरी ट्रेन है जो है पुरानी दिल्ली से, और मैं हूँ बिल्कुल अकेला, बस मैं और मेरे साथ आप लोग, मेरा YouTube फैमिली, YouTube का परिवार, वही सब मेरे साथ में। मेरे साथ मेरा फ्रेंड जाने वाला था बट उसका प्रोग्राम हो गया कैंसिल लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल, तो मैं हूँ बिल्कुल अकेला, मेरे साथ नहीं है कोई भी, बट आप लोग तो हो तो डोंट वरी, इंजॉय करेंगे पूरे रास्ते। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा, दिखाएंगे आप लोगों को वहाँ का माहौल, नवरात्रों में कैसा माहौल है वहाँ का। और अब जैसे सितंबर आ गया, कोविड वोविड का भी फिलहाल कुछ है नहीं, तो वहाँ जाके देखते हैं अभी भी कोविड का वहाँ पे कुछ सिस्टम है या नहीं है। जो लोग जाते हैं ट्रेन से वो सोचते हैं कि कोविड का अभी भी वहाँ रिपोर्ट मांगते हैं या नहीं, पता नहीं। तो मैंने कुछ नहीं कराया, वहीं चल के देखूँगा क्या है। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है, नवरात्रों में माता रानी के दर्शन में आप लोगों को कराऊँगा जितना, जहाँ तक जो जो शूट हो पाएगा। तो बस अब अंदर चल रहे हैं, तो गाइस वीडियो में बने रहें, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहुँच रहे आप लोग उसे देख पाएं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फ्रेंड्स। आज सुबह मैंने देखा 30 और अभी भी 15, हालांकि वो चार्ट जो है प्रीपेड हो गया लेकिन उसके बावजूद 15 वेटिंग लिस्ट है। तो अब चल के देखते हैं कहाँ सीट मिलेगी, सीट वेट कुछ भी नहीं है, जय माता दी माता रानी के भरोसे चलते हैं। अब देखते हैं कहाँ एडजस्ट हो सकता है, बस प्लेटफॉर्म नंबर 11 चलते हुए आगे की तरफ। पहले से तो बड़ी सुंदर सी गाड़ी है, लास्ट गया था मैं इस गाड़ी से 2016 में, और इस गाड़ी की जो हालत थी ना बहुत ही मतलब बेकार हालत, और अब जो हो गई ना देख सकते हो आप लोग, रेड कलर ग्रीन कलर मस्त डिब्बे करती है, फर्स्ट क्लास। मैं जा रहा हूँ स्लीपर की तरफ, एसी कोच है, स्लीपर क्लासेस की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और सीट का पता ही नहीं है अभी, अकेले बंदे कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे। देखते हैं कहाँ सीट मिलेगी, टाइम हो चुका है 50 हो गए, 8:05 का निकलने का टाइम है इसकी गाड़ी का, बस
मॉर्निंग। तो गाइस फाइनली हम लोग जो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच चुके हैं। ये हमारे पीछे जो ट्रेन देख रहे हैं जम्मू मेल, इसी ट्रेन से हम आए हैं मैं और आप। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ और तो कोई है नहीं वैसे। और भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है वैसे, अब यहाँ पे खाली हो गया, सब लोग जा चुके हैं। मैं रुका हुआ था, फ़ोटो सेशन कर रहा था, वीडियो शूट कर रहा था, तो इसलिए। और अब मैं पढ़ रहा हूँ आगे की तरफ। तो गाइज अब आगे चल के देखते हैं यहाँ पे क्या सिस्टम है, कोविड वोविड का कुछ है या नहीं है, कोई मांगता है पूछता है या नहीं पता नहीं। वैसे तो कोई लग नहीं रहा क्योंकि फटाफट से खाली हो गया यहाँ पे बहुत जल्दी। और मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा मौसम है। जय माता दी। अब बस बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो गाइस वीडियो में बने रहें। स्टेशन से बाहर, ये पीछे आप लोग देख सकते हो स्टेशन का नज़ारा, ज़बरदस्त व्यू है एकदम। मौसम तो बहुत ही बढ़िया है, ना सर्दी है ना गर्मी है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और देखता हूँ अब आगे चल के होटल वोटल कुछ लेना है या नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यहीं पे नहा धो के फ्रेश अप हो के उसके बाद ही अब चढ़ाई स्टार्ट करी जाए। टाइम हो चुका है 9:45 का, 9:15 करीब इसने हमें उतारा है यहाँ पे। और अभी मैं जब से वीडियो शूट फोटो शूट इसी में ही लगा हुआ हूँ। सीट का जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, सीट थी मेरी वेटिंग में, तो पहले एक सीट मिली उस पर मैं बैठ गया। उसके बाद पानीपत पे वहाँ पे उस सीट पे आसपास सारे में लोग आ गए, फिर वहाँ से मुझे उठना पड़ा, फिर एक दो डब्बे, फिर ऐसे इधर उधर ढूंढते फिर एक मैं पहुँचा। मैं वहाँ पे जाके मुझे सीट मिल गई ऊपर की, अपर बर्थ वाली, वहाँ जाके मैं हो गया चित्त बाकी भाई अब कोई आएगा जब की जब देखेंगे। बस माता रानी के आशीर्वाद से वो सीट थी खाली, वहाँ नहीं आया कोई भी, और उसी सीट पर मैं आराम से सोता हुआ आया। और अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, तब चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे, लेट्स गो फ्रेंड्स। अमेजिंग व्यू है, वेदर तो सच में लाजवाब है। तो गाइस जैसे कि कोविड का तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं, तो कोविड का ये सब खत्म हो गया, एकदम फ्री माइंड आओ, नो टेंशन, आओ अपना ट्रेन से उतरो सीधा अंदर एंट्री, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना, अब तो कोविड ख़त्म ही हो गया, पर भगवान करे दोबारा ना आए, माता रानी के आशीर्वाद से दोबारा कोविड ना आए। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं टेंशन फ्री, कोई भीड़ भाड़ नहीं, फटाफट उतरो सीधा चेकिंग करते हुए और अपना सीधा स्टेशन से बाहर, उसके बाद अब होटल सर्च करते हैं। चलिए जय माता दी। तो दोस्तों अभी लोग ये देख रहे हैं सामने मिल रही है यहाँ पे सिम, यात्रा सिम लिखा हुआ है। जो भी पर्सन आता है, जैसे यहाँ पे प्रीपेड कनेक्शन बंद हो जाता है आउट ऑफ जम्मू से, जो भी बाहर से आ रहा है सिर्फ पोस्टपेड कनेक्शन ही चलता है, तो यहाँ से सिम मिल जाती है। तो भाई सिम के जो चार्जेस हैं ना वो हैं 350 और 400, 350 एंड 400।
आधार कार्ड देना है, आधार कार्ड देकर के आपकी सिम एक्टिवेट हो जाएगी तुरंत। 350 में अनलिमिटेड 28 दिन के लिए और 400 में भी अनलिमिटेड 28 दिन के लिए। उसमें 1 GB डाटा, उसमें 1.5 GB डाटा ऐसा कुछ है। हालांकि मेरे पास पोस्टपेड कनेक्शन है तो मैंने सिम नहीं ली है, बट मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे नंबर यहाँ आते ही बंद हो जाते हैं तो आप यहाँ पर आकर के सिम ले सकते हैं। और उसका जो चार्ज है वो 350 और 400 रुपये है, जो कि बस आधार कार्ड देना है, सिम लेनी है, सिम हो जाएगी एक्टिवेट। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अब आगे की तरफ।